हाय फ्रेंड्स, नमिता लंके आज आपको कोई व्यंजन नहीं बल्कि अपना टेरेस गार्डन दिखाने जा रही हूँ। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है और मैं बहुत सारे शौक रखती हूँ। इसी के तहत आपको अपने टेरेस गार्डन को दिखाना चाहती हूँ और मेरी मेहनत इस लॉकडाउन में कितना काम आ रही है आप भी देखिए और कुछ नया करने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने क्यारियाँ बना रखी है और चारों तरफ पौधे लगा रखे हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या क्या लगाया है। धूप तेज है, पौधे बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं करते, फिर भी मैं इनकी देखभाल करते हुए यहाँ मैंने पालक लगाया था, लेकिन गर्मी की वजह से ये थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ नहीं किया। मैंने फिर से बीज डाले हैं, सुबह मैं इसको पानी दूँगी। इसे रोज़ पानी देना पड़ता है अभी गर्मियों के दिनों में। यहाँ पर टमाटर है, ये पौधा भी पुराना हो गया है, न्यू लगाए हैं मैंने लेकिन अभी पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हुआ है और गर्मी भी बढ़ने लगी है। देखिए, ये सब मिर्ची के पौधे हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं। देखिए इस तरह, ये है सहजने का पेड़ जिसे मैंने छत पर लगाया है, सहजन की फली जिसे कहते हैं। इस लॉकडाउन में ये फलियाँ देखिए फल फूल रही है और ये मेरे सब्जी बनाने के बहुत काम आएगी। इसकी फलियाँ बहुत ज़्यादा मीठी और स्वादिष्ट है। देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ किया है इसने, फलियाँ भी अच्छी आ गई हैं। अभी थोड़ी पतली हैं, थोड़ी सी और ग्रोथ करने के बाद इसे मैं तोड़कर जब इसकी सब्जी बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आपके लिए वीडियो बनाकर भेजूंगी। इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ये है बैंगन का पौधा, ये हमारे महाराष्ट्र का कांटे वाला बैंगन है। इसके पत्तों में देखिए ये कांटे हैं और इसमें बैंगन भी कांटे वाला होता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है बनाने के बाद। अभी इसमें फूल आ रहे हैं, देखिए ये फूल आ रहे हैं। अब इसके बाद ये बैंगन तैयार होना चालू हो जाएंगे। ये है पान, घर का पान खाने का मज़ा ही कुछ और है। एक पान खाने से एक बूंद खून बढ़ता है, इसका ध्यान रखिए। और पान हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप सिर्फ सोप डालकर भी पान खा सकते हैं यदि पान के शौकीन हैं तो। तो ये मैंने पहले से ही लगा रखा है। करेले की बेल है ये और ये अभी ग्रोथ कर रही है, पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हुआ है। धूप तेज होने की वजह से थोड़ा सा पौधों में रुखापन है। ये है लाल भाजी जिसे चवलाई की भाजी भी कहते हैं, साउथ वाले बहुत खाते हैं। ये काफ़ी जगह लगी हुई है, इसे भी हम बनाते। यह है पपैया, इस पपैया में बहुत फल दिए हैं इस साल, अब तक खा रही थी मैं, बहुत मीठा पपैया है। और देखिए अभी भी इसमें फल आना स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए बहुत अच्छी तादाद में फल आ रहे हैं। ये सब छत पर ही पौधे लगाए हैं मैंने, क्यारियाँ बना के, इस तरह की क्यारियाँ बनाई हैं। देखिए ये है मोगरा, इसमें कलियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं, गर्मियों के दिनों में ही इसमें फूल लगते हैं, कहीं कहीं फूल भी निकल रहे हैं। ये देखिए जब मोगरे में फूल आते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त महकता है। यहाँ पर मैंने भिंडी के कुछ बीज डाल रखे हैं, धनिया के भी डाल रखे हैं। पानी देना है मुझे लेकिन सोचा पहले वीडियो बना लूँ फिर पानी दूंगी। ये भिंडी के पौधे मैंने काफ़ी जगह बीज डाले थे, उसमें से कुछ यहाँ निकल आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह से निकल रहे हैं। कुछ दिनों से मैं घर पर नहीं थी, इस वजह से पौधे थोड़े से मुरझा गए थे। मैंने फिर से कोशिश करके इनको हरा भरा किया है। यहाँ भी कांटे वाला बैंगन ही लगा हुआ है। और देखिए ये है प्याज के फूल, प्याज आ चुका है लेकिन इन बीज के लिए मैंने इन फूलों को रखा है, ये पक जाएंगे तो
प्याज निकाल लूँगी। कितने खूबसूरत फूल है, कितने खूबसूरत फूल है प्याज के, देखिए इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। देखिए अब इसमें से बीज निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और ये फिर से बारिश में मुझे डालने के काम आएंगे। घर पर ही बीज तैयार कर लेती हूँ कोशिश करके, कुछ बाज़ार से भी ले आती हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ती है गार्डनिंग के लिए, लेकिन मुझे ये सब बहुत पसंद है इसलिए मैं करती हूँ। और आप देख रहे हैं कि इसका फल भी मुझे प्राप्त हो रहा है। देखिए ये है लौकी की बेल, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। मैं कुछ एक महीना पहले पुणे में थी लॉकडाउन होने के पहले, तब मैं ये बीज लगा कर गई थी जिसने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया था। ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से जल्दी ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन अब ये तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। आपको दिखाती हूँ, इसमें लौकी आना भी स्टार्ट हो गया है जिसे सफ़ेद कद्दू भी कहते हैं। देखिए ये, देखिए ये लौकियाँ निकल रही हैं, बहुत ही प्यारी दिख रही हैं। क्या बताएं, इन्हें देखकर ही मन कर रहा है खाने का। ये देखिए बहुत सारी लौकियाँ निकल रही हैं, इधर भी निकल रही हैं। ये देखिए इस तरफ से दिखाई देगी आपको, देखिए जगह जगह से फूल और लौकियाँ निकल रही हैं। जब ये अच्छे से ग्रोथ करके बड़ी हो जाएगी तो मैं खुद भी खाऊंगी और अपने पड़ोसियों को भी दूंगी। लॉकडाउन में इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम घर की सब्जियां प्रयोग करके खाएंगे। लौकी के कोफ्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैं उसका वीडियो बना के ज़रूर डालूंगी। जिस दिन घर का लौकी तोड़ के कोफ्ते बनाऊंगी उस दिन आपको इसका वीडियो भी ज़रूर दिखाऊंगी। इसके कोफ्ते बहुत ही शानदार लगते हैं। यह है गिलकी की बेल, देखिए और इसमें गिलकियाँ आना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए एक दो बार तो खा भी चुकी हूँ मैं, ये थोड़ी बीच में सूख गई थी इस तरह से, लेकिन मैंने इसे निकाला नहीं, इसे फिर से कोशिश करी। देखिए तो ये आगे जाके फिर से इसने ग्रोथ किया, खाद वगैरह डाली मैंने तो इसने ग्रोथ किया। और इस तरह से देखिए ये गिलकियाँ इसमें लग रही है, आप भी देखिए। तो घर की सब्जियों का आनंद ही कुछ और होता है, थोड़ी मेहनत ज़रूर करना पड़ती है। छोटी छोटी गिलकियाँ निकल रही हैं, ये देखिए। अब आप ही सोचिए, यही मैं कहना चाहती हूँ कि जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खासकर गार्डनिंग तो ज़रूर करना चाहिए। आपके पास कैरिया नहीं है, छत नहीं है तो गमलों में आप लगा सकते हैं। ये कैरी है, इसमें भी मैंने भिंडी के बीज डाले थे जो अंकुरित हो गए हैं और ग्रोथ करना स्टार्ट हो गए हैं। ये भी पान की से खाना चाहिए, पान का तड़का भी लगाया जाता है सब्जियों में, उसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। जब कभी इसका बनाऊंगी, तड़का दूंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। देखिए ये है अंगूर की बेल, इसकी कटिंग करके ये फिर से ग्रोथ करी है, क्योंकि इसको 3 साल हो गए थे। 3 साल में ये पौधा ख़त्म होने की कगार पर रहता है, लेकिन मैंने इसकी कटिंग करने की वजह से इसने दोबारा ग्रोथ करी है। और देखिए कितने अच्छे से इसका इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। अब कुछ ही दिनों में इसमें अंगूर लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जब इसमें अंगूर आएंगे तो मैं आपको इसका वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगी, तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। अब यह है अनार, मेरे यहाँ नीचे आंगन में भी बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं मैंने, पर ये छत के पेड़ हैं। और देखिए इसमें भी अनार के फूल आकर कहीं कहीं अनार भी आ चुके हैं। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये अनार आना स्टार्ट हो गया है इसमें। ये अनार बहुत ही मीठा और लाल है। जो आंगन में अनार लगाया है मैंने वो सोलापुरी अनार है, वो वाइट कलर का होता है लेकिन बहुत मीठा और रसीला होता है। और ये लाल दानों का अनार है, ये भी बहुत मीठा होता है। देखिए इस तरह से इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, अभी नया है इसलिए ज़्यादा फ्लावर नहीं आए हैं, कुछ आकर गिर भी गए हैं। नए नए पौधे में थोड़ा सा फल आने का प्रॉब्लम रहता है, अभी खाद डालूंगी तो अच्छा ग्रोथ करेगा और कुछ सारे अनार आएंगे। देखिए आ रहे हैं लेकिन अभी इसके फूल नए होने की वजह से गिर रहे हैं। तो यह है मेरा अनार का पौधा,
जो अच्छे से फल फूल गया है। देखिए अब देखिए, ये फिर से एक पपीता इस कॉर्नर पे लगाया है मैंने और इसमें भी फलाना स्टार्ट हो गया है। ये इस साल का पौधा है जो पेड़ बन गया है और इसमें फलाना भी स्टार्ट हो गया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुकून देने वाली चीज़ें हैं ये सब। आप भी ट्राई कीजिएगा और इस तरह कुछ ना कुछ करते रहिएगा। ये टेरेस गार्डन ऊपर छत का है, फर्स्ट छत का। नीचे वाली छत का भी मैं आपको बताऊंगी, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, आप देखते चलिए। इस तरह से मैंने फूल के भी पौधे लगा रखे हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत पौधा है। यहाँ पर लगा रखा है मैंने गुलाब, सफ़ेद गुलाब है ये, बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं इसमें। अभी फूल कलियाँ आना स्टार्ट हुई है, ये देखिए कलियाँ आ रही हैं, ये देखिए कुछ ही दिनों में फूल आ जाएंगे। यह है गुलाब, देखिए कितना खूबसूरत है, और भी खिल रहे हैं, देखिए वाओ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, मन को भाने वाला। ये देखिए इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। देखिए यह है बिल्व पत्र जो शिव जी को चढ़ते हैं। मैंने ज़्यादातर ऐसे पौधे फल फूल लगा रखे हैं कि मैं अपने पूजा पाठ के साथ मेरे घर का सब्जियों का इंतजाम भी हो जाए और प्रभु मेरे घर के फूलों से नहाए धोए। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग जल्दी से इस संकट से उभर आए और अपने जीवन को हंसी खुशी जिए। भगवान भोलेनाथ इसे चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं, सभी को मालूम है ये, इसलिए मैंने इसे घर पर ही लगाया है। यह अभी ऊपर छत पर लगाया है, नीचे आंगन में भी लगाया है, इसने यहाँ अच्छे से ग्रोथ किया है। देखिए देखिए गर्मियों में ये अब फिर से इसमें हरे पत्ते फूट रहे हैं और हरा भरा हो रहा है, सर्दियों में ये पूरा ख़राब हो गया था। ये भी गुलाब है, ये पीला गुलाब है, इसकी भी कली आ चुकी है, फुलाने का इंतज़ार है, कलियाँ भी आ रही हैं। ये है अमरूद का पेड़, अमरूद का पेड़ मैंने छत पर लगा रखा है। देखिए इसमें अब अमरूद आना स्टार्ट हो जाएंगे, जाम भी कहते हैं इसे। देखिए फल अब फूल अब फल में परिवर्तित हो रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये अमरूद का पेड़ अच्छा घना घना हो गया है। ये बेल हैं, ये फूल आ रहे हैं इसमें, ये कृष्ण भगवान को चढ़ते हैं। ये देखिए भगवान कृष्ण इन्हें चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं, इन्हें भी मैंने लगा रखा है। ये वही भाजी है, लाल भाजी, साउथ में बहुत बनाई जाती है, हम लोग भी शौक से इसको खाते हैं। मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते थे तो उनको जो क्वार्टर दिया जाता वहाँ हम पास में बड़े बड़े गार्डन बनाया करते थे। बस गार्डनिंग का शौक़ तो था ही, थोड़ी सी मेहनत लगती थी और घर की सब्जियों का फलों का आनंद हम लोग लेते थे। यही आदत मैंने छूटने नहीं दी और यहाँ आके भी मैंने यही किया। देखिए इसमें भी फल आ रहे हैं, देखिए फल फूल आ रहे हैं, बहुत मीठे मीठे पपैया है। यह है ग्वारपटा, एलोवेरा, एक एलोवेरा कड़वा होता है, यह मीठा है। रोज़ सुबह उठकर खाने से हमारे सेहत में हमारी सेहत अच्छी रहती है। कुछ औषधीय पौधे भी मैंने लगा रखे हैं जिसे मैं अभी सेकंड छत पर जाने के बाद आपको बताऊंगी। ये कमल इसमें अभी भी है लेकिन अभी ये ग्रोथ नहीं कर रहा है। इसमें कमल बहुत आते हैं, ठंड के समय में आते हैं, अभी भी आएंगे लेकिन थोड़ा इसमें पानी कम होने की वजह से ये सूख गया था, फिर से ग्रोथ करेगा। मैं आपको अपने घर के कमल का फोटो ज़रूर भेजूंगी, आप देखिएगा। ये मेरा डॉगी है,
मेरे साथ साथ ही घूमता रहता है, बहुत प्यारा है, मेरी बात बहुत ज़्यादा मानता है। उसे शायद प्यास लग रही है, पौधों को पानी दिया है, वही पीने की कोशिश कर रहा है। ब्रूनो ब्रूनो, मैं नीचे की छत पे आ चुकी हूँ। ये मैंने त्रिवेणी लगाई है, इसमें नीम, बर्ड और पीपल, ये पीपल है, ये तीनों लगा रखे हैं। नीम हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे उपयोगी पौधा कोई हो नहीं सकता। आप जानते हैं मैंने तुलसी का भी आपको वीडियो डाला था, ये नीम है, नीम भी बहुत ही उपयोगी है। नीम के पत्ते घर के आसपास लगाइए, आपके घर में संक्रमण आने की संभावना कम हो जाएगी। देखिए इसके फ्लावर आने लगे हैं, अब इसमें निमोनिया आ जाएगी। यह सेवंती जो ठंड में देती हैं फूल, अभी इसमें फूल नहीं है, केवल पौधे हैं। यह गुलाब, ये देखिए, यह बेल और यह है शो का पेड़, इसका नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं है। ये गुलाब, ये थी शरमती जो ठंड में फूल देगी। देखिए ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सेवंती। इस तरह से मैंने सारे पौधे गमलों में लगा रखे हैं। यह है ब्रह्म कमल, अभी तक तो इसमें फूल नहीं आए हैं, 12 साल में एक बार खिलता है इसमें फूल, देखते हैं अब इसमें कब आता है। एक साल हो चुका है, पता नहीं इसमें कब आएगा। यह है सेवंती, इसमें अभी भी फूल आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए कितने सुंदर है। ये भी शो का पेड़ है, शो के पौधे हैं। ये सेवंती, बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं मैंने। मुझे बहुत हरियाली बहुत पसंद है, मैं प्रकृति से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए प्रकृति के करीब रहना पसंद करती हूँ। और ये सब शौक रखती हूँ, और इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, जो मुझे करना अच्छा नहीं लग अच्छा लगता है। ये देखिए, ये है अजवाइन का पत्ता, इसके आप पराठे भी बना सकते हैं, इसके पकौड़े भी बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसको चाय पत्ती, लेमन टी को आप उसमें डाल सकते हैं, चाय में डाल के पीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। लेमन टी हमारे सेहत के लिए अच्छी भी होती है। यहाँ पे भी मैंने मोगरा लगा रखा है, ये देखिए सारे शो के पेड़ हैं। ये देखिए एक कैक्टस टाइप का पौधा है, अभी गर्मी की वजह से थोड़ा हरियाली कम है, लेकिन पानी डालकर मैं कोशिश करती हूँ इसे अच्छा रखने की। ये है आपका रात रानी, कल शाम को मैं जब ऊपर घूमने आई थी रात के समय, रात में 9-10 बजे के टाइम, पूरा छत महक रहा था, बहुत ही खूबसूरत खुशबू आती है इसकी, बहुत ही अच्छी लगती है। और यह है खटुआ का पौधा, खटुआ, खटुआ भी औषधीय पौधा है। आपको फुंसी फोड़ा या कुछ हो जाए तो इसका पत्ता गर्म करके आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। खटुए का पत्ता बहुत ही उपयोगी होता है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे औषधीय पौधे हैं जो मैंने लगा रखे हैं, समय आने पर ये काम आएंगे। ये देखिए खटुआ का पत्ता, जो खटुआ का पत्ता होता है वो हल्का सा कसेला और खट्टा सा लगता है, इसको खा भी सकते हैं आप, खाने से भी ये टेस्टी लगता है। और ये आपके पेट में अगर छाले या कोई प्रॉब्लम है तो मेन तो छालों के लिए भी यूज़ किया जाता है, अगर पेट में छाले होते हैं तो इसके पत्ते 2-4 सुबह उठ के खाइए, ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। इसकी खासियत यह है कि इसका पौधा आपको नहीं लगाना पड़ता है, इसका पत्ता भी आप गीले मिट्टी में डाल देंगे तो इसके पौधे निकल आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी पपैया लगा रखा है, आज ही मैंने यहाँ से 1.5 किलो का पपीता निकाला है, उसका फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी। ये सेकंड छत है जिस पर मैंने ये फूलों के पौधे भी लगा रखे हैं, छोटी सी क्यारी है देखिए, और यहाँ है सेवंती, सेवंती में अभी भी फूल आ रहे हैं, वाइट कलर के हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा गार्डन, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और आप भी इस तरह से अपनी लाइफ को इन पौधों के साथ एंजॉय कीजिए।
ये है चंपा का पेड़। मैंने नीचे भी बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं ज़मीन पर। ये देखिए, और ये है, इसका नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा पौधा है और बहुत उपयोगी कहलाता है। कहते हैं जिस घर में रहता है वहाँ बहुत बरकत रहती है, वो सब तो मैं नहीं जानती, पर मैं शौकीन हूँ इसलिए मैंने इसे लगा रखा है। देखिए कितना सुंदर है, ये कमल के फूल की तरह है। देखिए जो रियल कमल होता है जिसमें लक्ष्मी मैया वास करती है, उस तरह का दिखता है इसका ये पौधा। देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए लगता है सारे कमल ही खिले हुए। देखिए इसमें सुबह सुबह फूल खिलते हैं। ये मेरा आंगन है, देखिए यहाँ पर मैंने ये मधुमालती की बेल लगा रखी है, बहुत पुरानी। हम लोग जब यहाँ आए थे तभी ये लगा रखी थी। ये नीचे से लेकर मेरी थर्ड छत तक पहुँच चुकी है। देखिए कितने सुंदर इसमें फूल आते हैं। ये मेरे घर को चार चांद लगाती है। इसके नीचे चंपा लगा रखा है, ये देखिए कितने फूल है। भगवान जी को इन्हीं फूलों से मैं नहलाती हूँ, मैं चढ़ाती हूँ, बहुत आत्म शांति होती है, बहुत अच्छा फूल होता है। ये पारिजात का पौधा गर्मियों की वजह से सर्दियों में पूरा ख़राब हो गया, अब गर्मियों में ये फिर से हरा भरा हो रहा है। पारिजात का पौधा बहुत उपयोगी होता है। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप 9 पत्ते रोज़ पानी में, एक गिलास पानी आधा होने तक उबालिए इन पत्तों को डालकर, और उसे खाली पेट पी जाइए। ये 90 दिन का कोर्स है, यदि आप पूरा करते हैं तो आपका घुटनों का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और ये है सीताफल, बहुत बढ़िया सीताफल आता है इसमें, बहुत बड़ा बड़ा और बहुत ही मीठा सीताफल आता है इसमें। यहाँ बीच में भी अमरूद का पेड़ है, अशोक का पेड़, और ये है कड़ी पत्ते का पेड़ जो नीचे से मेरी छत की ओर जा रहा है। देखिए ये देखिए बहुत ही सुंदर गार्डन, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए ये कड़ी पत्ते का पेड़ इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है छत की तरफ। ये देखिए इसमें भी फ्लावर आ गए हैं, अब इसमें बीज आके बहुत सारे पौधे निकल जाएंगे जिसे मैं बांट दूंगी। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा गार्डन आपको, ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको व्यंजन बनाना सिखाती हूँ, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी क्रिएटिविटी करती हूँ। इसी के अंतर्गत आपको इन चीज़ों को दिखाना उचित समझा और ये वीडियो बनाया। थैंक्स।